दे रहे थे, कौन इंजेक्शन दे रहे थे इसका कोई नाम क्लियर नहीं हुआ है। आप इंजेक्शन नहीं देते थे नशीली दवाओं का इंजेक्शन? तो क्या करते थे, आपका रोल क्या था पूरे बालिका गृह स्वाधार गृह में? ब्रजेश ठाकुर के साथ क्या रिलेशन था आपका? ब्रजेश ठाकुर के साथ भी मेरा कोई रिलेशन नहीं था, मैं टीआई प्रोग्राम में मैनेजर था। 1 अक्टूबर 2010 में ज्वाइन किया था, 2012 में हम रिजाइन किया। कहाँ कहाँ जाते थे आप? कहीं नहीं जाते थे, वो हमारा अपना सहारा इंडिया का वर्क था, मैं सहारा में वर्क करता था, मैं उसका इवेंट अभी भी हूँ। उसके अलावा मैं तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह से क्या संबंध था आपका? कोई संबंध नहीं, बालिका गृह में आना जाना नहीं था आपका? जी, बालिका गृह में मेरा ना कोई पोस्ट था, ना मेरा कोई नाम था, ना कोई हम वर्कर थे वहाँ पे। ब्रजेश ठाकुर को कितने दिन से जानते हैं? ब्रजेश ठाकुर को 2010 से जानते हैं। कैसे संबंध थे, आना जाना था उनका उनके घर में बालिका गृह में? ऑफिस में 11 बजे मैं आता था और 3 बजे मैं ऑफिस छोड़ चुका। किस ऑफिस में जाते थे? टीआई ऑफिस था हमारा, जो HIV/AIDS पे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते थे। उसके बाद हम लोग कोई प्रोग्राम करने के बाद 3 बजे हम घर चले जाते थे, जो कि मेरा सहारा का वर्क था, मैं उसमें एजेंट था, मैं सहारा का वर्क करता था। एक बार बोल रहे हैं HIV का वर्क करते थे, HIV/AIDS पे, HIV/AIDS पे ही वर्क होता था। तो HIV/AIDS पे वर्क होता था, तो आप बालिका गृह या स्वाधार गृह में नहीं जाते थे उसके लिए समझाने के लिए या कुछ करने के? उसमें हमारा HIV/AIDS पर किस पर काम करते थे, मर्दों पर? नहीं नहीं नहीं, हमारा टारगेट जो मिला हुआ था, जो HIV/AIDS पहले से जो गांव शहर में जो HIV हो रहा है उनके संदर्भ में हम गांव शहर में जाते थे। हमारा हॉटस्पॉट उस टाइप का बैरिया था मुजफ्फरपुर का, जो स्मैक वगैरह जो लेते हैं मुजफ्फरपुर में, जो नशा का जो स्मैक वगैरह करते हैं, वो नशे में जैसे सेक्स वर्कर के पास नहीं जाए, कंडोम का प्रयोग करें, इस तरह का हम अवेयरनेस। तो दोनों बात बोल रहे हैं, नशे की बात कर रहे हैं, HIV की बात कर रहे हैं, मतलब नशीली दवाओं से आपका क्या कनेक्शन? नशीली दवाएं नहीं, स्मैक, स्मैक। अच्छा, इसमें स्मैक वगैरह जो, तो ये जो बोला जा रहा है आप पे, बार बार यही कहा जा रहा है कि नशीली सुई देते थे आप, कितनी सच्चाई है इसमें, एक बार सोच के बताओ? 0% सच्चाई है। अच्छा, मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई उसमें नाम नहीं था ना, ये कहाँ से नाम आया मुझे?